वो आराम से क्या कर रही है? आराम से आराम। हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। तो अभी जो है दोपहर के बज रहे हैं 3 और हमें फोन आ गया है शोरूम से कि आपकी नंबर प्लेट जो है आ गई है। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं और अभी हमें जाना है शोरूम ताकि अपनी बाइक में नंबर प्लेट लगवा सके, क्योंकि हम उसकी वजह से कहीं जा भी नहीं पा रहे क्योंकि पुलिस हमारा चालान काट देगी। इसलिए तो आज बड़े एक्साइटेड है कि हमारी नंबर प्लेट लगेगी और हम कहीं भी जा सकते हैं उसके बाद। और मैं तैयार हो गई जी, और आज मैंने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए तो मैंने फुल फुल पहन के जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है आंबा पड़ूंगा। तो अब चलते हैं सीधा जल्दी से हमारे माता का दरबार देखने। ये हमारी माता का दरबार देखो, ये पूरा सज चुका है अच्छा भला। और हाँ, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, और ये हमारे लड्डू, और देखो हमारे लड्डू पे कितना अच्छा फोकस आ रहा है धूप का, ये इतने अच्छे लग रहे हैं। यह है हमारे हनुमान जी और ये हमारी माता रानी। और आज हमारे थोड़े थोड़े ना जो अभी फूट गए हैं आ गए हैं, मतलब बढ़िया एकदम। उधर से ऐसे हमने तीनों को पिक कर लिया है यहाँ पे, ये हमारी पार्किंग में रहते हैं ये, और ये, और ये हमारी रोज की तरह हमारी बाइक चोरों। और ये आज का वेदर कूल, इतना मजा आया ना उन तीनों को पकड़ने के बाद, बहुत ही ज्यादा मजा आया मेरे को तो। इतने क्यूट है यार वो छोटे छोटे से, बड़े भी नहीं हो रहे है ना। तो अभी हम चल रहे हैं सीधा रास्ते पे हैं, आपको रास्ता दिखाती हूँ बहुत सुंदर सफर में, अभी एंजॉय करना हमारे साथ। तो लेट अस गो, चलो। मैं चलाने वाली हूँ बाइक यहाँ पे, ये है सुनसान रोड और इधर की तरफ मैं बाइक चलाने, है ना। अभी बाइक सिखाएंगे हम इनको, आती तो है बस। आती है मुझे, वो है ना पल्सर है थोड़ी भारी है तो। हाँ मेरे वेट से थोड़ी सी भारी है, पहली बार कोई चीज मेरे वेट से भारी है। तो गाइस अभी मैं जल्दी से मतलब बाइक चलाती हूँ और आप देखना मैं सारी चीजें शूट कर। वो आराम से क्या कर रही है? आराम से आराम चला रही थी। तो यहाँ पे ना मतलब दो बॉयज जा रहे थे स्कूटी पे, उन्होंने यार मुझे पीछे से इतनी तेज डराया ना, मतलब चीखे वो अपनी स्कूटी से, यार ऐसे लड़के अगर बाइक वाइक चलाए तो यार ऐसे मत किया करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस लो होता है पहले से ही, बंदी सीख रही होती है यार, और तुम लोग ऐसे कर लेते हो, बहुत डर लगता है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी। और फिर लोग तुम सब कहते हो लड़कियां गाड़ी चलाती है तो मरना ही है, लड़कियों को तो कुछ आता ही नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार, पता है उन्होंने, है ना। तुम बताओ मेरा कॉन्फिडेंस कितना लो हो गया था, वो एकदम से चीखे और मेरे मुंह से तो बस यही निकला जाहिल। क्योंकि जब बंदा नई नई बाइक चलाता था वैसे ही थोड़ा वो परेशान सा होता है, डर लगता है ये बाइक ना गिर जाए या मैं ना गिर जाऊं। हाँ मुझे तो अपनी नहीं थी, मुझे ये थी यार हमारी नई नई बाइक है वो गिर ना जाए, और उन्होंने इतने चीखे ना वो पीछे से मतलब मुझे डराने के लिए। तो यार बहुत बुरा लगा मुझे, ऐसे मत करा करो यार, अगर कोई मेरी वीडियो ऐसे देख रहा है और कोई करता हो तो ऐसे मत करना, आगे से लड़कियां गिर सकती है, उनके हाथ पैर टूट सकते हैं, फिर तो शादी भी करनी होती है, काम भी करने होते घर जाके। अभी बाइक थोड़ी नई है तो थोड़ा पिकअप इसका हाई है तो इसलिए दिक्कत हो रही है मुझे। वैसे आगे चलानी आप लोग मुझे बताना मैंने कैसे ड्राइव करी है, वैसे मुझे पहले से ही आती है, मुझे वो वाली गाड़ी चलानी आती है। कौन सी वाली आती है मुझे? लाइक डिस्कवर वगैरह होती है, डिस्कवर आती है जिसमें पीछे भी गियर होते आगे भी गियर होते हैं, लेकिन अभी ये वाली गाड़ी थोड़ी नई नई थी मेरे लिए जिसमें आगे ही सारे गियर है। और तो फिर अब मैंने लेकिन सीख ली है, मैं घर में इस चीज की प्रैक्टिस करी थी, पेन और कॉपी लेके मैं सीख रही थी कि गियर कैसे होते हैं। गाइस चलो चलते हैं अब सीधा बजाज के शोरूम, लेट्स गो। यहाँ बहुत ट्रैफिक होता है, हम पहुँच गए हैं शोरूम बग्गा लिंक। यहाँ पे तो सजावट कर रखी है नवरात्रों की। चलो आज लगेगी हमारी नंबर प्लेट, अभी स्टिकर चला जाएगा। कहाँ से जाना है पहले, अंदर जाना है? कहाँ पे? यहाँ से
इधर से पहला कट बोला ना, हाँ वहां से जाना। गाइस अब हमें बाइक ले जानी पड़ेगी पीछे, डोमगेट की दुनिया की तरह मैं बोल रही हूँ। कौन सा ये तो नहीं होगा गाइस, हमें पीछे की तरफ जाना है। अब वहीं पर ही हमारी बाइक का काम तमाम होगा, मतलब नेम प्लेट लगेगी। पैर टूट गया गाइस, किसी ने ये गाड़ी निकलवाई है देखो, और ये हमने निकलवाई है देखो। अभी हम नंबर प्लेट का वेट कर रहे हैं, वो आएगी देन फिर हम लगवाएंगे। यही आएगी ना अंदर, हाँ यही आएगी, फिर लग जाएगी हमारी नंबर प्लेट। और फिर हम जाएंगे दूर दूर घूमने, जैसे कि आज हम जाएंगे घूमने के लिए। कहाँ पे? आज नंबर प्लेट लगेगी। आज हम जाएंगे घूमने कहीं। तुम पार्टी दोगे ना? मैं पार्टी दूंगा, मुँह हालत ख़राब हो जाती पार्टी के नाम से, तो क्योंकि मैं ज़्यादा ज़्यादा खाती हूँ ना, इसलिए आप मेरी हेल्थ देख ही सकते हो, इतनी मोटी हो रही हूँ खा खा। और मेरे पति की हेल्थ देखो, बहुत ख़त्म हालत है। चलो गाइज, तो जब तक जैसे हम वो लोग आएंगे, तैयारी कर रहे हैं वो नेम प्लेट की, नेम प्लेट मैं नेम प्लेट बोल दे रही हूँ बार बार, जैसे घर लेने जा रहे हो। जैसे ही नेम प्लेट आ जाएगी फिर हम, मैं दिखाती हूँ आपको नेम प्लेट आने। किसी ने हमारी जैसी बाइक निकलवाई है, ये लग रही है नंबर प्लेट, नेम प्लेट सॉरी नहीं नंबर प्लेट, बहुत कंफ्यूज हूँ मैं। नई बाइक देख के तुम्हें कैसा फील हो रहा है? हैं? एक और ले लूँ सेम? नहीं आगे देखो। हमारी नंबर प्लेट लग चुकी है और अब हम आराम से घूम सकते हैं, कोई टेंशन नहीं पुलिस पुलिस की, हमने ऑर्डर कर रखा है।
मेरा वाला कन्नू का तो गाड़ी से मिला ही हुआ था जब गाड़ी आई थी, तो अब हम हेलमेट लगा के घूमेंगे। आई एम सो सॉरी गाइस, अभी तक हम हेलमेट लगा के नहीं घूम रहे हैं क्योंकि हम गली गली में अपनी गली में जाते हैं बिल्कुल पास दुकान तक। आज ही आए हैं थोड़ा सा शोरूम तक, शोरूम भी गलियों से ही आए, गलियों से ही आए हैं, हम रोड से नहीं आए हैं। लेकिन अब हम हेलमेट से ही जाएंगे क्योंकि हेलमेट हमारा आने वाला है, हमने ऑर्डर कर दिया है। देन अब चलते हैं, उसके बाद कुछ खाते हैं, कुछ खाएंगे, कुछ खाना, हाँ कुछ खाना बनता है क्योंकि पहली बार तो मेरे को भूख भी लग रही है, खाना पच जाता है ना जल्दी, भूख लग रही है। और दूसरी बात पार्टी भी होनी है। आज मेरी बाइक में पहचान मिल गई है अपनी, पहचान मिल गई है, नाम मिल गया है बाइक को हमारी। गाइस जैसे किसको मिलता है नाम, क्या कह रहे हो, जैसे नामकरण होता है ना, जैसे एक बंदे का आधार कार्ड होता है ना, जैसे एक बंदे का आधार कार्ड होता है ना, वैसे हमारी बाइक की नंबर प्लेट होती है। तो गाइस चलो मेरे हाथ में बहुत दौड़ दौड़ा, जल्दी से मिलते सीधा खाने के रेस्टोरेंट में। खा रहे हैं डोसा, डोसे वाले डोसा खाने वाले। प्लूटो देख लो ये हेलमेट काट रहा है हमारा, प्लूटो हेलमेट। उल भैया, अरे भैया 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 नहीं, ये देखो गाइस ये क्या कर रहा है, ये मेरे पीछे लगा पड़ा है ऐसे, ये देखो प्लूटो इधर आ, ले ले, ये देखो ये कौन है देखो। प्लूटी प्लूटी ले ले ले, इसको प्यार करना बेकार है। ये देखो गाइस कैसे चेप हो जाता है, ये देखो प्लूटो कहाँ है, प्लूटो ऐसे सो रहा है देखो तकिए के ऊपर, क्यों भाई। और ये बड़ा प्लूटो बड़ा प्लूटो नहीं भाई, प्लूटो ज्यादा क्यूट है। और हम वीडियो की एंडिंग करते हैं प्लूटो के साथ। प्लूटो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और कमेंट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और प्लूटो नाम आपको कैसा लगा ये भी बताना।